ये हमारे डांस प्रैक्टिस की क्या हो रही है, अप्रिसिएशन। मार Two hours later. और अभी हमारी क्या चल रही है, डांस प्रिपरेशन चल रही है। हम आपको छोटा सा ग्लिम्स दिखा सकते हैं, ये पहले चक्कर खा के गिर रही है, पता नहीं वहां क्या होगा इसका। सो हम आपको छोटा सा ग्लिम्स दिखाएंगे, बाकी पूरा व्लॉग पूरी वीडियो डांस की देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। ये क्या था, ये तो सेकंड डे कह रही है, ये सिक्स्थ डे कह रही है, और आपका डांस प्रैक्टिस का। ये देखो ये झांकता हुआ प्राणी कमरे में से, भैया आप देखना क्या चाहते हो रूम में से, हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा करोगे। गर्ल्स की एक्टिविटी हो रही है, बॉयज हॉकी देखते हैं। वाह, गर्ल्स की एक्टिविटी हो रही है, बॉयज हॉकी देखते हैं। वाह, ये वो स्कूल में करते थे ना, गर्ल्स स्कूल में जो बच्चे देखे लड़के हाँ थोड़ी सारी खबरें रखे। ये हमारे डांस प्रैक्टिस की क्या हो रही है, अप्रिसिएशन। क्योंकि डांस कैसा हो रहा है, वाह। अगर किसी को चार बीट पे एक स्टेप पढ़ना हो तो संपर्क करें ये डांस मंडली, इतनी बुरी बेस्ती एक स्टेप करते हैं। बोला बहुत बढ़िया बढ़िया, क्या तो बहुत बढ़िया। हाँ चले आप घर, हाँ पापा मारेंगे, नहीं जाना, यहीं पे सोना है, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप, वहाँ पे आप व्लॉग में देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। बैंगल सेट भी बहुत अच्छा बनाती थी, इसीलिए मुझसे बैंगल सेट बनवा रही है, जबकि मैं जो है अब ये काम नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पहले मैं दुकान पे काम करती थी। ये मजाक था, ये बकवास कर रही है पीछे। और इन्हें मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं ये बहुत अच्छे से बनाती हूँ सेट, इसीलिए मैं इसके लिए सेट बना रही हूँ। अदरवाइज मेरे को शादी के बाद ये सब मैंने छोड़ दिया है, और मेरे ससुराल वालों को बहुत ज्यादा क्या है, ससुराल वालों इन अ सेंस मतलब कि सबको बाकियों को लगता है कि मेरे को ना मेकअप करना आता है, ना मेरे को बैंगल सेट, ये सब का मुझे कोई शौक नहीं है। लोगों को ऐसा पता है, ऐसा लगता है, ऐसा मिसकंसेप्शन है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये बकवास की बात मैं बंद कर रही हूं। कि बीएड में मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है, किसमें, मेकओवर में। दिखाऊंगी प्रूफ, अब तो प्रूफ दिखाऊंगी, मेरी बेइज्जती कर रही है ना बैठ के, तो मैं प्रूफ दिखाऊंगी।
दिखाऊंगी आपको कि ये रियलिटी है, बट हाँ आप सच में मेरे को मेकअप वगैरह कुछ नहीं आता। हमने चार दिन में तीसरे गाने की ओपनिंग की है, जिसमें हमने सोचा है कि तीसरे गाने पे हम फाइनल अपना वाले पे आने वाले हैं अपने रूप पे। और लावण्या की यहाँ पार्टी चल रही है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 इसके एक देखी। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 बेबी को लौटा ले व्लॉग में। बेबी का व्लॉग मासी आ जाओ आप भी। सो आज हमारी फिफ्थ, ओह माय गॉड, सो आज हमारा फिफ्थ डे है डांस प्रैक्टिस का और हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड सॉन्ग पे, जिसकी क्लिप्स आपको जरूर देखने को मिलेंगी, बट हाँ हम सॉन्ग डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी। एंड वन मोर थिंग, जो कि ये परंपरा शुरू कब हुई थी? कब हुई थी लावण्या? मम्मा की एनिवर्सरी पे। नो, मम्मा की एंगेजमेंट पे। मम्मा की एंगेजमेंट पे स्टार्ट हुई थी ये परंपरा। और सबसे फनी पार्ट ये है कि मेरी एंगेजमेंट से 10-15 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में थी, और हम हॉस्पिटल में ही क्या करते थे, सब सोचते थे। और फिर जब थोड़ा थोड़ा रिकवरी होने लगी मेरी, हाँ पहले तो मैं बेड पे लेटे लेटे बताती थी ना कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ये कर सकते हैं। फिर जब जैसे जैसे रिकवरी होनी स्टार्ट हुई, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर हम जब डॉक्टर चेकअप वगैरह करके चले जाते थे ना सुबह भी शाम को भी, तो जो लंच टाइम होता है ना, रेस्ट का टाइम, उस टाइम हम क्या करते थे, डांस प्रैक्टिस। ये वो ब्राइड है जिसकी एंगेजमेंट पे हम परफॉर्मेंस करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, ये सुगली मौसियाँ, मम्मा भी सुगली है वैसे, हम क्या नहीं करते, फिल्टर नहीं करते। और ये मासी रेडी होके आई है, ये मासी है जिनकी एंगेजमेंट है, जिसके लिए हम डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो बाकी हमारे स्टेप्स को और हमारी परफॉर्मेंस को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। ये एक और प्राणी है, ये लेट लतीफ, ये हमारे लेट लतीफ छुप रहे हैं। ये हर रोज जब हम 8 बजे टाइम बनाते हैं ना, तो ये बोलते हैं वो 8:30 बजे मैं पक्का रेडी हो जाऊंगी। जिस दिन हमने 8:30 बजे टाइम लगाया, इन्होंने बोला मैं 9 बजे रेडी हो जाऊंगी, एंड द टाइम इज 9:15। और इसीलिए ये खोपचे से निकल गई है बाहर, क्योंकि पता शी इज ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आज हम जा रहे हैं अपनी फाइनल शॉपिंग करने, जो भी कुछ रह गया है वो, बाकी जो भी हमने शॉपिंग की है उसकी भी मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाई थी, बट एज यूजुअल शॉपिंग शॉप वगैरह में बेसिकली अलाउड नहीं होता है कैमरा वगैरह वीडियोस वगैरह क्लिक करना, तो इसीलिए मैंने एज सच बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं किया है। ये बार्गेनिंग करते हुए 2 घंटे हो गए ना शॉपिंग करते हुए, जिसमें ये बोल रही है कि अभी तो मैंने सामान ही नहीं लिया। इन्होंने 15 शॉप देखी है, 15 की 15 शॉप पे से रिजेक्ट कर दिया। एक शॉप 15 शॉप पे देखने के बाद कुछ भी नहीं खरीदा है इसने, एक शॉप पे फाइनल भी करके आ गई, फिर छोड़ के आ गई, फिर दोबारा गई तो शॉपकीपर ने देने से मना कर दिया। आज मम्मा ने अपॉइंटमेंट ली है लावण्या की कटिंग कराने के लिए, और देखते हैं लावण्या का रिएक्शन, बिकॉज लावण्या जब 1 ईयर की हुई थी ना, मम्मा ने तब पार्लर से कराई थी, उसके बाद कोरोना वायरस आ गया था, तो मम्मा ने जब भी कटिंग करी खुद की, इसीलिए अब मम्मा लावण्या की कटिंग पार्लर से कराएगी। लवू कराएगी ना कटिंग? ना। ओ कराएगी ना कटिंग? ना। कराएगी ना कटिंग? ना। ओ प्लीज। फिर मैं आपके लिए कल जब मम्मा शॉपिंग करने गई थी ना, मैंने बताया था आपको अपनी सिस्टर के साथ, और वहां पे से मैंने वो कलर इतना ढूंढा इसकी ड्रेस का कि मिल ही नहीं रहा था, बट फाइनली समहाउ मिल गया। किस्मत अच्छी थी लावण्या की कि लाजपत में वो मिल गया, तो वो ड्रेस लावण्या को मैं जब ही पहनाऊंगी जब लावण्या कटिंग कराएगी। मैं ये बोलना चाहती थी, तो इस बेबी को कोई समझाओ इसको कोई, कि नए कपड़े जब ही पहनते हैं जब गूद बेबी बनते हैं। रोने की क्या बात है, कटिंग ही कर रहे हैं ना आपकी। लावण्या की अभी हाफ कटिंग हो गई और अभी हाफ फ्रंट की रह रही है। ये बेबी क्या अच्छे रो रहा, देखो ऐसे कोई रोते है कटिंग कराते हुए? बच्चे रोते बेबी को ऐसे तो रोते, मेरा बच्चा चुपकी ले लेके रो रहा जैसे इसने रात देख लिया।
अब तो अच्छा लग रहा है वो सौंफ लेके, है ना लावण्या? हाँ मजा आ रहा है अब। डांस प्रैक्टिस के बीच में एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, रात के 11:15 बज चुके हैं। आठ साल में तीन ये ज्यादा हो गया। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ वेट लूज वाली व्लॉग में इतना ज्यादा प्यार देने के लिए और हम पे ट्रस्ट दिखाने के लिए। मैंने कोई व्लॉग पर्पस से उसको कैप्चर नहीं किया था, अदरवाइज मैं आपके लिए लंच डिनर का जो चपाती वाला मैंने बोला वो भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड करती। ये सिर्फ मैंने छोटा मोटा क्लिप बनाई थी क्योंकि मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, बट इस चीज़ की डिमांड हुई, दैट्स वाई मैंने उसको व्लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि एक दिन में 500 प्लस व्यूज गए। आई नो कि 500 कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है उन लोगों के लिए जिनकी वीडियोस पे एक दिन में हज़ारों में व्यूज़ चले जाते हैं, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ भी सकते होंगे कि हाँ जो हैप्पीनेस है वो एक अलग ही थी। तो सच में थैंक यू सो मच लव, उसे थैंक यू।